सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के नेशनल वेबिनार का विषय है आधुनिक वैश्विक संदर्भ में श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता इन द मॉडर्न ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इस हेडिंग के तीन हिस्से करो समझने के लिए। पहला हिस्सा इसका करूं आधुनिक। आधुनिक का अर्थ है मॉडर्न, कंटेम्परेरी, नाउडेज या आजकल। सेकेंड हिस्सा इसका कर दो वैश्विक संदर्भ, मींस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संपूर्ण स्थान या सारी जगह एक ही स्पेस को द्योतित करता है। थर्ड हिस्सा है इसका श्रीमद् भगवद गीता। सामान्य शब्द है, सामान्य नहीं अति विशिष्ट शब्द है। बाकी हिस्सा मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पिन पॉइंट रहने की आदत है, सिर्फ गीता शब्द को उठाया। गीता योगी के लिए योग शास्त्र, दार्शनिक के लिए दर्शन, ज्योतिर्विद के लिए ज्योतिष, वैज्ञानिक के लिए विज्ञान, नीतिज्ञ के लिए नीति और साधु के लिए सदाचार। किसी भी समस्या का, किसी भी प्रश्न का कोई भी चीज ऐसी नहीं जो गीता में से उपलब्ध न हो सकती हो। प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। इस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट का जो आपने रखा विषय, इसको परखने का कारण क्या है? मुख्य रूप से कारण है गीता को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाना। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र है इसलिए वहां से शुरू हुआ, ये बहुत जरूरी था। सेकंड, गीता की यूनिवर्सल उपयोगिता बताना। यूनिवर्सल उपयोगिता की ये यही नहीं, भारत में नहीं, हर तरफ इसकी प्रसिद्धि है। और तीसरा, आज की विचार की प्रक्रिया में इसका प्रयोग होना। मैं थर्ड हिस्से को फोकस करूंगी, आज की विचार की प्रक्रिया में इसका प्रयोग होना। विचार की प्रक्रिया को आप समझ सकते हो थॉट प्रोसेस बहुत ही जरूरी चीज है। तीन ही श्लोक मैंने मूल में रखे हैं जो सत्रहवें अध्याय से उठाए हैं। सत्रहवां अध्याय का 16, 17, 18, 19 बस चार ही श्लोक को फोकस किया। आज मैं गीता का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताना चाहती हूं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? गीता का आरंभ निराशा से हुआ। गीता का आरंभ निराशा से, मतलब डिप्रेस हो गया अर्जुन, दुखी हो गया अर्जुन, परेशान हो गया अर्जुन, ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन कहता है मेरे लोग सामने खड़े हैं। अर्जुन कहता है उस क्षत्रियत्व का क्या फायदा जो कि अपने ही लोगों को मारते। अर्जुन में विषाद था, अर्जुन में दुख था, अर्जुन में निराशा थी, अर्जुन इस सब चीजों से घबरा गया था। उसके इफेक्ट देखो, पहले इफेक्ट साइकोलॉजी के शरीरगत होते हैं। गला रुंध गया, आंखों से डल दिखने लगा, आवाज थर थर आ गई, ये सारे उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट थे। आज वैश्विक संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या जो इस पेंडेमिक के कारण पैदा हुई और अदरवाइज भी मशीनी जिंदगी के कारण पैदा हुई है, उसका मुख्य कारण साइकोलॉजिकल डिप्रेशन है। मैंने सोचा वैश्विक संदर्भ में साइकोलॉजी को लाया जाए, इसलिए श्लोक है मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धि इत्येतत् मानसम उच्यते। इसमें मैंने एक शब्द उठाया भाव संशुद्धि। अब बाकी सब बातें इसी के इर्द गिर्द होंगी। भाव संशुद्धि, भावों का शुद्ध होना। भाव संशुद्धि तीन हिस्से करो, भाव, सम और शुद्ध। भाव का अर्थ जो मुझ में होते रहते हैं, सम का अर्थ अच्छी तरह, और शुद्धि का अर्थ है उसको शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, परिष्कृत करना, संशोधित करना, रिफाइंड करना, डबल रिफाइंड करना, इसको हम शुद्धिकरण कहते हैं। भाव के अशुद्ध हो जाने पर व्यक्ति निराश होता है, भाव के अशुद्ध होने पर हार जाता है, भाव के अशुद्ध होने पर टेंशन हो जाती है, भाव के अशुद्ध होने पर आत्महत्या हो जाती है, भाव के अशुद्ध होने पर पराजय निश्चित है। हिंदी में कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन खुश है तो सब कुछ ठीक है, अगर मन उदास हो गया तो सब कुछ गलत है। गीता ने सबसे ज्यादा फोकस इसको किया। आज वैश्विक संदर्भ में विकराल समस्या भाव जगत को लेकर है। चीजें बेशुमार हैं, मशीनें बेशुमार, कैरियर भी बहुत सारे हैं, लेकिन स्पष्टता नहीं, कंफ्यूजन है, क्योंकि भाव की लेवल पर हम अशुद्ध हो गए। पैसा, रुतबा,
कार, मकान, मेरा बड़ा स्टेटस, ये सब चीजें मुझे एलिवेट तो करती हैं, अंदर से खोखला कर देती हैं। उसके रिजल्ट आपके सामने हैं, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, डिप्रेशन, इसलिए हमें क्या होता है, निराशा, उत्साह, ये सब चीजें जो हैं, ये क्या करती हैं आपकी, आपको डिप्रेशन, एक्सप्रेशन, इंप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें पैदा करती हैं। अब हम आए शब्द भाव संशुद्धि पर। बच्चों को काम आएगा, जिंदगी में तीन तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं सात्विक, कुछ होते हैं राजसिक, कुछ होते हैं तामसिक। ये सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट है जिसको गीता ने एज इट इज यूज किया है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका देखें, उसके बाद इनके मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर होने के बाद सांख्यकारिका मानती है इस संसार में 72 टाइप्स की बुद्धियां होती हैं। 72 टाइप्स की बुद्धियां होने के कारण जो चीज मुझे पसंद है जरूरी नहीं सामने नीलम जी को पसंद हो या पूजा जी को पसंद हो, जो उन्हें पसंद है जरूरी नहीं मुझे पसंद हो, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ये घरेलू लेवल पर भी होता है, कॉलेज लेवल पर भी होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है, जिंदगी के हर फ्रंट में हो सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, इसमें पहला इशू है गुण। हमारी लाइफ इन गुणों के आसपास चलती है, मेरी पर्सनैलिटी इससे बनती है। साइकोलॉजी शब्द में साइके शब्द जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ परसोना है। परसोना इज ए ग्रीक वर्ड। आप पानी के पास खड़े हैं, खड़े हो, अंदर झांक के देखो, झांक के देखा तो आपको एक अपना रिफ्लेक्शन दिखा, दिस इज कॉल्ड परसोना। परसोना से ही पर्सनैलिटी शब्द बन करके आया। ये जो परसोना है, अगर पानी हिल रहा है तो आपको अपना चेहरा हिलता हुआ दिखेगा। जैसे हम कार चलाते हैं, साइड का मिरर अगर ढीला हो ना तो अगर आप उसमें देखो तो हिलता हिलता दिखता है। ये आउटर वर्ल्ड है। कई बार आउटर वर्ल्ड अपने इनर वर्ल्ड के कारण हिलता हिलता दिखता है। इसलिए भाव संशुद्धि इत्येतत् 17वें अध्याय में जाके कृष्ण कहते हैं कि भाव संशुद्धि सब चीजों का आंसर है। अगर ये शुद्ध हो जाए तो दुख क्या, सुख क्या, हानि क्या, लाभ क्या, जय क्या, पराजय क्या, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजी। इसलिए हमारी लाइफ इस भाव के इर्द गिर्द चलती है। भाव शब्द में भू धातु घय प्रत्यय, भू का अर्थ होना, घय उसको एक नाउन में कन्वर्ट कर देता है, भाववाचक संज्ञा कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर देता है, जो हम में होते रहते हैं, होते ही रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। मैं बोल रही हूं साथ में पैरेलल भाव चल सकते हैं, आप सुन रहे हैं पैरेलल भाव चल सकते हैं। इसी तरह कार चलाते हुए, खाना बनाते हुए, चाय बनाते हुए, पढ़ाते हुए, करते हुए एक पैरेलल लाइनिंग चलती है, वो चलती रहती है, गिरती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। लेकिन यदि वो प्रोमिनेंट हो जाए तो पहले वाले काम में मन नहीं लगता। जैसे मैं बड़ी उदास थी और खाना बना रही थी, खाना बस बना रही थी लेकिन मन उदास था। एक साइड प्रोमिनेंट हो गई, एक साइड सेकेंडरी हो गई। कभी कभी वो दोनों चलती हैं इकट्ठे। ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर हमारा स्वर शास्त्र देता है। जो हमारा हंसचार है, आप नाक के सामने ले जाओ, सांस लो, छोड़ो, अगर राइट से ज्यादा आ रहा है तो पहले वाला हिस्सा सेकेंडरी होगा, अगर लेफ्ट से आ रहा है सांस ज्यादा तो वह दूसरा हिस्सा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये प्रोमिनेंट होगा। ये योग का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं अभी बीच में नहीं लाऊंगी। और अगर दोनों से बराबर हो, जाऊं या ना जाऊं, प्रिंसिपल से मिलूं या ना मिलूं, काम होगा या नहीं होगा, हो भी जाएगा तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा तो कौन सा नुकसान होगा। मैंने अपने प्रश्न आप बनाए, अपने उत्तर आप बनाए, अपना डिप्रेशन आप किया, अपना सप्रेशन आप किया, सब चीजें मैंने स्वतः की। बाद में मैं बड़ी थक गई, आज हम बहुत थक गए। इसलिए भाव आदमी को चलाते हैं, भाव को लेकर आदमी चलता है। अब यहां पर एक लाइन आती है मार्कंडेय पुराण की, कहता है मार्कंडेय, मृकंडू ऋषि कहते हैं, भावा भाव समुच्छेदयः अजस्रम व्याकुलम जगत। ये जगत बड़ा व्याकुल है, जगत का अर्थ है जो चल रहा है, जगत बड़ा व्याकुल है, कोई भाव से कोई अभाव से, कोई इसलिए व्याकुल है
कि मेरे पास घर नहीं है, कोई इसलिए व्याकुल है 5 मंजिल बेकार बना ली इसमें सफाई नहीं होती, कोई इसलिए व्याकुल है कि उसके पास खाने को नहीं मिल रहा, कोई इसलिए व्याकुल है कि इतनी सारी चीजें पड़ी रह गई कुछ खराब हो गई फेंकनी पड़ेगी। ये हमारे साथ कुछ भाव कुछ अभाव, सारा जगत इसमें व्याकुल है संकुल है परेशान है। देखो ना तो मुझे पैसा एलिवेट करता और नीचे गिराता, कोई चीज नहीं गिराती। भाव से दुनिया खुश है और भाव से दुनिया ना खुश है, इसलिए भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए गीता आपके अंदर तक छूती। अब भाव को अगर हम लें तो ये आप सोच सकते हैं मन में होते हैं या बुद्धि में होते हैं या मेरी आत्मा में होते हैं, आत्मा तो बिल्कुल अलग है। अब इसके हिस्से कर लो कि ये होते कहाँ है, डिप्रेशन का प्लेस है कौन सा, किस जगह से होता है। आपको बेशुमार अखबारों में चीजों में लिखा मिलेगा इस तरह डिप्रेशन हटाएं, हंसें पार्क में जोर जोर से हंसें और इस तरह मिलें जुलें गाड़ी तेज चलाएं, ये कोई चीज मैटर नहीं करती भगवत गीता के अनुसार, क्योंकि जो चीज इंटरनल है जो मेरे बिल्कुल इनर सेल्फ तक गई हुई है उसको मेरी तेज गाड़ी चलाने से क्या फायदा होगा, आइसक्रीम खाने से क्या फायदा होगा, उदासी से क्या फायदा होगा। ये तो स्थिति वैसे होगी, एक मैंने बड़ा गुब्बारा लिया उसमें खूब कस के हवा भर दी, अब मैं कहती हूँ बेटा दबाओ पिचकाओ, या तो डिफॉर्म हो जाएगा या फिर फट जाएगा। आपने देखा होगा सुबह पार्क में, आपकी कॉलोनीज में भी होता होगा, सुबह लोग इकट्ठे होते हैं हा 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 हा, वो कहते हैं हंसी का योग हो रहा है। अगर आप घर से उदास होके आए हैं, आपका अंदर से रोने का दिल कर रहा है और आप पार्क में हा 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 कर रहे हैं, आप डुअल पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। डुअल पर्सनैलिटी बड़ी मुश्किल होती है। डुअल पर्सनैलिटी कैसे देखें, एग्जाम्पल दे देती हूँ, आप खुद देखना। एक फिल्म आई थी बाजीराव मस्तानी, मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि जो उसने दिखाया कहानी वैसी नहीं है। उसमें जब नीचे बाजीराव, जब नीचे मस्तानी आती है तो ऊपर से काशीबाई देख रही है, जिस रोल को प्रियंका चोपड़ा ने फिल्माया है। प्रियंका चोपड़ा मस्तानी के साथ को देख करके खुश भी है, उदास भी है, घृणा भी है, हेट भी है, नफरत भी है, सभी चीजें एक साथ है। ये एक्टिंग सबसे मुश्किल एक्टिंग होती है, जिसके अंदर हम अंदर से कुछ होते हैं ऊपर से कुछ होते हैं, फिर कोई सामने आता है ही करते हैं दांत फाड़ते हैं, हमारे एक साथ कई रूप होते हैं, ये आपको इनर सेल्फ से कई गुना परे ले जाती है। शास्त्र कहता है जो अंदर और बाहर से एक होता है वो बहुत दूर तक जाता है। कुछ जगह तो ये समस्या होती है, करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल की कुर्सी पर आप बैठे हो, सॉरी मैडम मैं कह रही हूं, तो आपको चलना किसी ढंग से पड़ता है, होते आप कुछ हैं सोचते कुछ हैं, ये मजबूरी है। आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, पर देयर आर सर्टेन प्लेसेस, जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, इसीलिए ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें आप अपने रूप के अनुसार काम कर सकते हैं। जबकि अथॉरिटी में आपको एक साथ 3 या 4 रूप कम से कम दिखाने पड़ते हैं, 4 तो मिनिमम है, इससे ज्यादा भी कहीं, क्योंकि आर्टिस्ट आदमी हूं इसलिए मैं एक चेहरा उसका आंख उसका ये आई कैन रीड। इसलिए यहां पर ये जो कंफ्यूजन पैदा होता है ये भाव जगत में उथल पुथल करता है। उथल पुथल को आप समझ सकते हो, आप अचार बनाया, अब आपने उसको जो अचार के अंदर मसाला डाला ऐसे से हिला रहे, या तो दोना बहुत बड़ा हो तो आप एडजस्ट कर जाओगे, कोई भी उसका पीस बाहर नहीं गिरेगा, अगर छोटा है तो बाहर गिर जाएगा। इसलिए कई लोग मानसिक प्रेशर में आने पे आत्महत्या कर लेते हैं, दूसरे कमरे में बंद कर लेते हैं, तीसरे लटक जाते हैं, चौथे सब करने के बाद भी कहते हैं क्या हुआ कुछ भी नहीं। इट डिपेंड्स कि आप में स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ मच यू कैन टॉलरेट। इसलिए भाव व्यक्ति को व्याकुल करते हैं, भाव व्यक्ति को नॉन व्याकुल करते हैं, वो उसे आशा में डालते हैं, वो निराशा में करते हैं। हमारे शरीर में एक आत्मा है, उसका वो निकलती नहीं, निकलता सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वेद इसे पुरुष कहता है, पुरुष सूक्त सहस्र शीर्षा पुरुष। सेकंड चीज, वो आत्मा सब में एक है, ठीक इसी तरह है मुझ में और आप सब जो 265 बच्चे जुड़े हुए हैं सब में एक है। जैसे कि आपने घर का एक स्विच ले लिया, उसमें से लाइट आ रही है, अब आप उस पर चाइनीज बल्ब लगाओ या लाल लगाओ पीला लगाओ ट्यूबलाइट लगाओ फ्रिज लगाओ, प्रोजेक्शंस डिफरेंट है। इस बेस पर गीता मानती है हम सबका एक सोर्स है, नंबर 2। उसके बाद हमारी बुद्धि है,
बुद्धि आपको मिला हुआ चाकू है, इसका करेक्ट शब्द है नाइफ। नाइफ कैसे है, ये कुतरता है, काटता है। दिमाग नहीं तुमने लगाया, दिमाग नहीं लगाया का मतलब क्या, अगर मुझे किसी ने कोई बात कही मैं दिमाग ही लगाऊं तो कुतरेंगे ना हर टाइम, उसको काटेंगे। काटते हुए कई लोग तो दोनों साइड काटते हैं, एक चाकू होता है जो दोनों साइड से तेज होता है, ठीक है, वो अपने को भी करते हैं खराब, दूसरे को भी करते हैं। आपको कई ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, वो क्या होगा, दूसरे को इतना बुरा कह के, बच्चे क्यों बड़े भी, वो आपको भी बुरा कहेंगे, खुद भी रोएंगे और दूसरे को भी रुलाएंगे। दे आर जस्ट लाइक हेल, ओले की तरह होते हैं। तुलसीदास कहता है ओला खुद भी गल जाता है, फसल भी गला देता है। ये आपको एक टाइप की पर्सनैलिटी के लिए मिलेंगे। गीता पढ़ाते हुए बच्चों को कहती हूँ, साइंस की लैब एक कमरा है, तुम्हारी लैब हर जगह है, आप हर तरफ ऑब्जर्व करें। सेकंड, कुछ लोग आपको परेशान करते हैं, अपनी तरफ वो हिस्सा रखते हैं जो उन्हें न छुए, ये भी बुद्धि का काम है। ये बुद्धि तर्क और वितर्क करती है, तर्क का अर्थ है रीजन, वितर्क का अर्थ है काउंटर रीजन, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट। वकीलों में बुद्धि का तेज होना जरूरी होता है। थर्ड हिस्सा है मन, मन जिसको आप इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करें तो मन को माइंड कहते हैं, बुद्धि को इंटेलेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं इसलिए एक की बात दूसरे नहीं मानता, मान भी नहीं सकता। मन माइंड है, माइंड इंपॉर्टेंट है, ये जितने लोग उतने मन होते हैं। मन जाता नहीं, जन्म जन्मांतर तक सेम रहता है। व्हेन आई विल डाई माय बुद्धि माय मन विल गो एज इन सूक्ष्म शरीर। इसलिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन मन के 16 भेद कहता है, लेकिन गीता 4 के अंदर सबको समाप्त कर देती है। अब उस 4 को करने के बाद, टाइम भी होने वाला है, यही समाप्त करेंगे। 4 हिस्से में करता है मन। पहली है बुद्धि, ये तर्क वितर्क करती है, काटती है, इसका प्लेस इतना है, इसमें रह रही है। सेकंड है अहंकार, अहंकार को हम लोग ईगो कहते हैं, इट इज नॉट ईगो, अहम करोमी, मैं करती हूं, इस आइडेंटिटी इज कॉल्ड अहंकार। थर्ड हिस्सा है मनस, मनस या मन या माइंड, ये जन्म जन्मांतरों से एक ही है, तो एक तरीके से स्टोर हाउस है कई चीजों को रखने का। चौथा है चित्त, जिसको योग दर्शन लेता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, दिस इज प्योर इंटेलिजेंस। आई एम रिपीटिंग द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ऑल 4। नंबर 1 बुद्धि इज इंटेलेक्ट, सेकंड अहंकार इज आइडेंटिटी, थर्ड मनस इज मेमोरी, मेमोरी एंड चित्त इज कॉल्ड प्योर इंटेलिजेंस। बुद्धि इंटेलेक्ट है, ये मॉडर्न टाइम की बड़ी भारी समस्या बन चुकी है आजकल, क्योंकि हमने मॉडर्न वर्ल्ड को बुद्धि से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बुद्धि से चलाएंगे तो जो मैं कहूंगी डेफिनेटली अंजना जी वो नहीं कहेंगी, अगर 95% कह भी देंगी तो 5% नहीं कहेंगी। इसलिए हर एक व्यक्ति जो मैं कहूंगी पूजा को ना माफिक लगेगा, क्योंकि तो चाकू है ना, कब जरा भी ध्यान नहीं दिया ना आपने तो आपको लग जाता है। आप किचन में काम करके देखो, 5 मिनट भी आपने ध्यान नहीं दिया और बर्तन आपको नहीं लगेंगे, वो आपको काट देगा। इसलिए बुद्धि पर मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, इसलिए समस्याएं पैदा हो रही हैं। बुद्धि के कारण हम इंटेलेक्चुअल क्रिएट कर रहे हैं, बट वेयर दे विल गो, वी आवर सेल्फ डोंट नो। सेकंड हिस्सा, ये बुद्धि आउटसाइड जाती है, एनहांस कर सकती है अपने को, इसकी बड़ी पावर है, कंफर्ट दिला सकती है और कन्वीनियंस भी दिला सकती है। ये चारों काम बुद्धि करती है, इससे बड़ा मजा आता है। सेकंड वर्ड है अहंकार, ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपने को आइडेंटिफाइड करके रखते हैं। आइडेंटिफाइड का मतलब, मैं पुनीता शर्मा हूं, ये मेरी नाम की आइडेंटिटी है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, ये मेरी स्टेटस की आइडेंटिटी है। मैं बड़ी विज्ञानी हूं, ये मेरे में उसकी आइडेंटिटी है, विजडम की आइडेंटिटी है। मैं दिल्ली वाली हूं, दूसरे वाले बेकार होते हैं, ये स्पेस की आइडेंटिटी है। मैं पंजाबी हूं, पंजाब की आइडेंटिटी। सो मेनी फैक्टर्स वी आर गैदर्ड विद। ये आपका जाति हो सकती है, भेद हो सकता है, वर्ण हो सकता है, रंग हो सकता है, जेंडर हो सकता है, लिंग हो सकता है, लैंग्वेज हो सकती है, इसके कारण लड़ाइयां होती हैं। ये आइडेंटिटी है हमारी, हम इस आइडेंटिटी के कारण परेशान हैं। शास्त्र कहता है कुछ देर आइडेंटिटी भूल जाओ। रात को सोते हैं ना तो आइडेंटिटी खो जाती है, रात को आइडेंटिटी खो जाती है। एक वो कहता है कि बड़े अपने को दिग्गज समझते थे, जरा निगमबोध घाट पे जाके देखो, जो पड़े हुए थे वो भी दिग्गज समझ रहे थे अपने।
समय खत्म, इसलिए जब रात को सोते हैं तो हम एक्सटर्नल मेकअप भी हटा देते हैं, फिर कैजुअल पहन लेते हैं, सारी आइडेंटिटी लुक करके हम सो जाते हैं। भारत देश ने ऐसे त्योहार भी बनाए हैं, जन्माष्टमी पर छप्पन भोग, होली का त्योहार, चंद मिनटों के लिए आइडेंटिटी भूलो, याद करो जब पिताजी आपके लिए घोड़े बने थे, तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोफेसर थे पर आपके लिए घोड़े बने थे, उन्हें ज्यादा मजा आया था तब क्योंकि आइडेंटिटी भूल गए। ये आइडेंटिटी का भूल जाना, यदि आदमी इसमें फंसा रहेगा ना तो उसका मन, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मन, क्लोजिंग टू खत्म होने पर ला रही हूं, मन पर पड़ता है। मन को आप सोच सकते हो, मन की आयुर्वेद में सारी की सारी बीमारियां मन से कनेक्टेड है, भूत विद्या कहते हैं इसको, भूत का अर्थ है भूत जो हो चुका था, अर्थात पास्ट टाइम से हम जो मनोमय कोष लेकर के आए हैं वही आपको अब मिल रहा है। इस देश ने, आप अगर आर्य समाज करते हो तो मनसा परिक्रमा मंत्र आते हैं, नहीं हो तो खोल के देखना, ओम प्राची, ओम प्रतीची, ओम दक्षिणा, इस तरह छह दिशाओं में आते हैं, हर जगह मन को प्योरीफाई करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मन ही तो मुसीबत में पड़ गया, क्यों पड़ गया, आइडेंटिटी लेके तो मैं सिर पे लबादा लेके घूमती रही, बड़ी खुश थी, बहुत ये थी, सारा करने के बाद वो स्टोर कहाँ हो रहा था जाके, मन में, वो सारी चीजें मन में स्टोर हो रही थी जिसको मुझे लेके आगे जाना। आप देखना छोटा सा बच्चा बड़ा एटीट्यूड वाला है, ये बेसिकली ना हम लोग के भारत देश के अंदर इसको पहले किया हुआ था, तुम देखो जो हरियाणा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, ये सब मन से बनाई हुई चीजें हैं। पंजाब रेजिमेंट आगे करो मुड़ते ही नहीं, वो मार के ही आते हैं। जब हमने फौज को इस तरह तैयार किया, अभी भी देखो ज्यादा लोग हरियाणा पंजाब यहाँ के मरने वाले हैं जो फोर फ्रंट वाले हैं, ये मन आइडेंटिटी से चल करके आते हैं। इस मन के कारण हम कल्चर, प्लेस, कंट्री, सब चीजों को साथ लेकर के चलते रहते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है मेमोरी में, मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है स्मृति, इसको संस्कृत में कहते हैं, याद इसे हिंदी में कहते हैं, मेमोरी इसे इंग्लिश में कहते हैं। बस आदमी कुछ भी नहीं, हीप ऑफ मेमोरी है, बंडल है मेमोरीज का, आठ तरीके की मेमोरी लेके हम चलते हैं। नंबर वन, एलिमेंटल मेमोरी। एलिमेंटल मेमोरी में किन एलिमेंट से बन के आई हूँ, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश। सेकंड, एटॉमिक मेमोरी। जब हम ये कहते हैं ना खाप पंचायत, एक्स पंचायत, इसमें ऐसा ना करो, एक बड़ा पॉपुलर है, मुझे नहीं पता आपके हरियाणा और यूपी के कॉलेजेस में ऐसा होता होगा या नहीं, आप कपिल शर्मा शो वगैरह देख रहे हो, सेम पैटर्न कॉलेज में बच्चे चलाते हैं आजकल, मेरे ख्याल से यूनिवर्सल लेवल हो गई है, मीडिया ने कर दिया, आप यहाँ भी ऐसा होगा, एक बच्चा दूसरे को मिलता है, हाय, जोर से लग के उसको हग करता है, उसको किस करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दोस थिंग्स, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मेमोरी। एटॉमिक मेमोरी, एक एक अणु इस ये शरीर सेल्स से बना है, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, कैंसर सेल की बीमारी, कोशिकाओं की बीमारी, एक एक कोशिका मिलकर के जुड़ जुड़ करके हमारी बॉडी बनती है, लॉ ऑफ एफिनिटी सिद्धांत से, एक एक कोशिका याद रखती है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं नमस्कार जी, दूरी से बात करते हैं, क्यों, ताकि कोई मेमोरी में कैरी करके मैं ना चली जाऊं। इसलिए तुम देखो बच्चा बहुत रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, माँ कुछ को उठाती है, उठा के ऐसे छाती से लगा लेती है, चुप हो जाता है, क्या दिया था उसे, कुछ भी तो नहीं, लेकिन चुप हो गया। ये सेकंड मेमोरी जो है एटॉमिक मेमोरी है। थर्ड, इवोल्यूशनरी मेमोरी। इवोल्यूशनरी मेमोरी के ऊपर पंचतंत्र लिखा गया है, आप देखो कहता है गीदड़ ने लोमड़ी को कहा, भी गीदड़ कब बोलता है, हम बड़े बड़ी योनियों से आए हैं, कुछ कुछ हिस्से बच गए हैं हम, तुम देखना बन गया तो इंसान था, लेकिन काम ऐसे करता है लोमड़ी जैसे, हम कहते हैं ना उल्लू जैसा आदमी, लोमड़ी जैसा आदमी, ये एडमिनिस्ट्रेशन वालों को ज्यादा नजर आता है क्योंकि हर आदमी एक अलग टाइप के पर्सनैलिटी के साथ घुसता है, इसलिए पंचतंत्र एडमिनिस्ट्रेशन वालों को जरूर पढ़ना चाहिए कि कौन किस टाइप से आ रहा है। इसलिए ये इवोल्यूशनरी मेमोरी है क्योंकि मनुष्य योनि लास्ट है। नेक्स्ट, जेनेटिक मेमोरी। हम जेनेटिक मेमोरी को नहीं छोड़ सकते, जिस माँ से मैंने जन्म लिया वो रक्त, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकल के अगले आते, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र का सिद्धांत है, मेरी माँ उसकी माँ से आई थी, उसकी माँ उसके पिता भी थे, बीज थे, एक ही पेड़ पे लगी चीजें हैं, मैं अपनी माँ के उस रक्त को कैसे भूल सकती हूँ, और मेरी माँ नानी के को कैसे भूल सकती है, इसलिए हमने गोत्र सिद्धांत आयुर्वेद में सुरक्षित किया। ये मेमोरी जेनेटिक मेमोरी है। फिर कार्मिक मेमोरी होती है,
कार्मिक मेमोरी जिस काम को आप लगातार करते जाते हो ना, वो बड़ी जल्दी फटाफट हो जाता है। जैसे जब मैं ज्योतिष पढ़ती थी, शायद मैंने ग्रामर में ज्यादा मेहनत की थी, ज्योतिष में नहीं की, वो ऑटोमेटिक आता था मुझे, इसका मतलब कभी रही होंगी। नेक्स्ट, अनकॉन्शियस मेमोरी, जो मुझे याद नहीं है यूं ही याद आ जाती है। कॉन्शियस मेमोरी, बैठ के सोच रही हूँ क्या करना है। और लास्ट है सब कॉन्शियस मेमोरी, ये चलती है जब आप सो जाते हैं, सोने पे जो सपने आते हैं वो सब कॉन्शियस मेमोरी है पुराने जन्म की। ये सारी की सारी चीजें मन तक सीमित है। गीता कहती है चित्त को प्रोमिनेंट कर, 6 अध्याय 17 अध्याय 18 अध्याय देखो, चित्त इज प्योर इंटेलिजेंस। जब ये प्योर इंटेलिजेंस होती है तब संसार में आप ठीक चलते हैं। यहाँ संसार का वर्ड ना लें, आई एम क्लोजिंग टू इट, वर्ड ना लें, संसार को कंकरेंट सर्कल्स के अंदर साइकल्स लें, संसरति इति संसारः, जिसमें हम चलते जा रहे हैं। पहले में कुछ और थी, इस जन्म में कुछ और थी, अगले में कुछ और थी, उस सर्कल के बाहर जा ही नहीं सकते। इसलिए चित्त की लेवल पर आकर के आप सत्व रजस तमस इन सारी चीजों को परे करो, उपाय लगाओ, समाधिस्थ हो, योग में आ जाओ। आप जो है कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, 18 योगों का वर्णन है। जो आपकी रुचि को अच्छा लगे उसको प्रयोग करो, तब आपके चित्त के लेवल पर आएंगे। दैट इज कॉल्ड प्योर इंटेलिजेंस। वंस वी कम ऑन दैट लेवल, ऑल प्रॉब्लम्स वैनिशेस। आई थिंक वैश्विक संदर्भ में गीता का यह सबसे बड़ा योगदान है। बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर उदय भान, यहां से शुरू करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह। नमस्कार। गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर हरियाणा से बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। आज जिस प्रकार की माया मोह की दुनिया में फंस करके हम लोग रह गए हैं, हाँ जी, और धन अर्जन, संपत्ति अर्जन और इस सब प्रकार की चीजों में हम उलझ करके रह गए हैं, ऐसे में गीता, रामायण, अपने ग्रंथ, इनकी तरफ आप जैसों के अलावा, हाँ जी सर, हाँ, पूरा समाज, मतलब बाकी लोग नहीं देखते, जबकि मुझे पता है कि बाहर के देशों में गीता को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और गीता का ज्ञान पढ़ते पढ़ते वो भारत तक आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो उनका उनका पंथ कोई दूसरा होता है, लेकिन आकर के फिर वो हिंदू धर्म अपना लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो मतलब स्थिति ऐसी है कि हम गंगा के जल में खड़े हैं, लेकिन हम आचमन नहीं कर पा रहे हैं, पी नहीं रहे हैं गंगा का पानी, और दूर दूर के लोग जो जा करके गंगा, तो ऐसी स्थिति क्यों है, इसका समाधान क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा है, बिल्कुल कंटेम्परेरी सर। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि चीज ग्रेविटेशन के कारण ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। ये हमारा सिस्टम बिगड़ा है, सिस्टम बिगड़ा है, और उसका एक मेन कॉज वोट बैंक पॉलिटिक्स है। बहुत फ्रैंकली और ब्लंट आंसर है। कल मैं महाराष्ट्र का कोई लेक्चर दे रही थी, किसी ने पूछ ही लिया और लगी गए इसके ऊपर, आई आंसर। पॉइंट ये है, हम नीति बना लेते हैं, अब नई शिक्षा नीति आ गई है, मुझे बताओ एक्चुअल पढ़ाने वाली मैं, पूजा और नीलम जी ऐसे टीचर हैं, हम क्या फेस करते हैं? हमें कितना फर्क है अगर गीता का आपने सेकंड चैप्टर लगा दिया या गीता का 7th लगा दिया, तो क्या बच्चे में कोई खास फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ सकता है कि हम ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। यहाँ रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। रोड मैप तैयार दो तरीके से होता है, अब आपने पूछा है तो उत्तर दे। जो मैं पढ़ाऊं वैसा दिखे भी, जब बच्चा उतरे, स्कूल तो स्कूल है, कॉलेज कॉलेज है, उसके बाद वो अपने व्यवहार में उतरता है, अपने कार्य क्षेत्र में उतरता है। ऐसे ही मैं उतरी थी, ऐसे ही आप उतरे होंगे। जब आप आएंगे तो देखेंगे, अरे यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्वार्थ टकराते हैं, यहाँ तो दूसरे के पैर रख के निकला जाता है, यहाँ तो कोई आपका जो है विद्वत्ता को कोई देखता ही नहीं है। तो आप चाहते, दो आस्पेक्ट आपके पास तब होते हैं। मैं इसलिए इस चीज को ऐसे कह सकती हूँ क्योंकि अब तो पिताश्री नहीं है, लेकिन वो इस टाइप के पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में काम करते थे, वहां ये चीजें बहुत क्लोजली पता लगती हैं। जहां एक लड़का बिल्कुल हो और एक चेन में अपने को मिसफिट माने,
ऐसा आप पार्लियामेंट में भी देख सकते हैं, ऐसा आप अपने कॉलेज में भी देख सकते हैं, ऐसा आप अपने वर्क प्लेस पे देख सकते हैं, ऐसा आप हर जगह देख सकते हैं आजकल, क्योंकि स्वार्थ प्रोमिनेंट है सर। जब आपको आपका पढ़ा हुआ वहीं कहीं काम नहीं आता तो आपके पास दो एस्पेक्ट बचते हैं, एक तो अध्यात्म की तरफ चल पड़ो, भैया भक्तु ने रोटी तो दे दी सुबह शाम की, बस काफी है, ये चलती रहे, या फिर आप उन आप में इतना स्ट्रेंथ हो भगवान कृष्ण की तरह कि आप मार सको, वो होगा नहीं। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि लोग दिख जाते, तीन एस्पेक्ट है, इसलिए चीजें चेंज नहीं होती। जो स्कूल की एजुकेशन है गलत तो वो भी नहीं दे रहे, कॉलेज भी नहीं दे रहा, लेकिन जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो एंटायरली डिफरेंट सीन है। आप थ्री इडियट देखें, फिल्म देखें थ्री इडियट, वो चाहता नहीं है बेईमानी करना लेकिन उसे सिखाई जा रही। आप कॉरपोरेट फिल्म देखें मधुर भंडार करके, आदमी को उस चक्कर घिन्नी में समाज में घूमना पड़ता है क्योंकि स्वार्थ है, पैसा मुझे ही ज्यादा मिले आपको नहीं, स्टेटस मुझे ही ज्यादा मिले आपको नहीं, सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। और मेरे को लगता है कभी से नहीं हुआ होगा क्योंकि छल सदा से रहा है, नहीं तो इतना बड़ा महाभारत ना होता। धृतराष्ट्र कहना देता ले लो भाई तुम अपना आधा, वो नहीं देता। ये हर तरफ रहेंगे, इसीलिए गीता काम में आएगी कि आप अपने को ठीक रखो, अपने इंस्टीट्यूट को ठीक रखो, अपनी चीजों को ठीक रखो। मेरे विचार में यही है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लाइफ में दूरी है। ठीक कह रही हूं मेरे विचार से, ये दूरी खराब करती है, यही आत्महत्या का कारण बनती है। इस ऑनलाइन में बहुत फायदे हैं हम जैसों को, लेकिन आप याद देखो जो छठी सातवीं का बच्चा है उसके लिए कितना फायदा है इसमें। हम तो हो गए पुराने, हमें तो जब अटेंड करना है तो करना है, नहीं करना नहीं करना, लेकिन इस छठी सातवीं का बच्चा देखो, उसको तो डिस्ट्रैक्शन है ना। वैसे तो माँ मोबाइल रख लेती थी अपने पास, अब क्या करेगी, नहीं रख सकती। ठीक है, मेरे हिसाब से आप सब थोड़े संतुष्ट हो गए होंगे। नया सवाल, मिसेस विमला, अनम्यूट कर दो मिसेस विमला का, हैंड रेज है। हाँ, दीपक झाकर तो अपना ही बच्चा लगता है। हाँ यस, नमस्कार मैम। प्रणाम प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम प्रणाम, मैं बिहार से बोल रही हूँ। नमस्कार मैम। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपका आलेख। और मैम मैं मेरे मन में एक विचार आ रही है, प्रसंग उस टाइम का है जब भगवान अपना साक्षात्कार कराते हैं अर्जुन को, अर्जुन डर जाता है और चाहता है कि नहीं नहीं आप पहले वाला रूप में लौटिए, मैं हाथ में शंख चक्र और गदा और आपका चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि ठीक है मैं लौट जाऊंगा, लेकिन यह रूप जो है तुम पहली बार मुझे देख रहे हो और तुम पहला आदमी हो जो मुझे तुम देखे। हाँ। तो मेरे मन में क्या विचार आ रहा है कि क्या यह गीता और ये भगवान का गीता ज्ञान या रूप सिर्फ अर्जुन के लिए है कि किसी दूसरे के लिए भी है? ये सभी के लिए हो सकता है, इसमें योग दर्शन इन्वॉल्व है मैडम। सर्टेन चीजें आपको इंट्यूशन से ऑलरेडी पता लगती हैं जो बच्चे को पता नहीं लगती। सर्टेन चीजें आप पहले से फार साइटेडनेस से देख लेते हो जो दूसरे को पता नहीं लगता। अर्जुन जिस मार्ग पर चल चुका था, अर्जुन शब्द का अर्थ, अर्जुन नाम माफिक है, अर्जुन में रिजु शब्द है, रिजु होता है सरल रेखा, सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन। अगर आप भगवान के सामने रिजु सरल बिल्कुल बच्चे की तरह जाओगे तो आपको रास्ता मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ इस लोक का, आपका बच्चा 6 महीने या 2 साल से छोटा है, एकदम आप सड़क पे जा रहे हैं भगदड़ मच गई, तो माँ पता क्या करती है, आप तो चाहे गिरे पड़े बच्चे को ऐसे छाती से लगा लेती है, बच्चे को जरा डर नहीं वो गिर जाएगा, बच्चा बोध भी नहीं करता कि माँ फंसी हुई है, सारी आपत्ति माँ पर आ गई। तो भक्त के लिए भगवान ऐसे होते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो माँ को 4 बार कहता है, पैर आगे क्यों रखा पीछे क्यों रखा, पीछे हो रहे हो आगे हो रहे हो, समस्या वहां से शुरू होती है सर मैम। इसलिए अगर आप समर्पण पूरा कर दो, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्योंकि मैं गीता को बहुत मानती हूँ और जो मैंने पहला मैं भी गीता का रोज वाचन करती हूँ जी मैम, जो मैंने पहला आंसर दिया था ना आपको कि प्रैक्टिकल लाइफ अलग है, उसमें हम बार जूझते हैं,
फिर आंख बंद करके सोचते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना जो पड़ेगा वो मैं खोना नहीं चाहती तो पाके क्या करूंगी, चलो जो है वो। फिर आपको बहुत 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 आभार मैडम जी। थैंक यू यस दीपक, दीपक को अनम्यूट कर दो पूजा। नमस्कार मैम। नमस्कार बच्चे जो मेरे कॉलेज के जुड़े हैं, दीपक झाखड़ हमारे कॉलेज का बच्चा है हरियाणा से पर पढ़ हमारे यहाँ रहा है, ये पूजा सैनी हमारी एलुमनी है बेटा। यस दीपक मैम, आज फिर से आपसे गीता के बारे में सुन के मन प्रफुल्लित हो उठा मैम। उस समय शायद मैं मेरी बुद्धि में ये चीजें आ नहीं पाई जो मैं ये प्रश्न पूछ नहीं पाया था, पर आज मैंने उसके बाद वापिस से श्री आदि शंकराचार्य जी के मत को पढ़ा, उनसे जो जुड़े हैं उनसे काफी चीजें पढ़ी, तो एक चीज मेरे मस्तिष्क में आई कि मैम हमें ये चीज तो पता होनी चाहिए अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो उनके वाचक कौन है, वो तो प्रभु हैं, हम कोई एक नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, वो तो खुद श्री कृष्ण जी हैं। तो हाँ। वो अगर जो चीज कह रहे हैं जैसे हाँ। अर्जुन अभी सेम कंटिन्यू उसी क्वेश्चन से कि अर्जुन जी तो एक लेवल से ऊपर उठ ही चुके हैं, उनको जब वो उनसे पूछते हैं, जब एक श्लोक भी आता है जब वो बताते हैं तो वो तो उनको प्रभु करके संबोधित करते हैं, ना कि कृष्ण या फिर किसी और नाम से, वो प्रभु से संबोधित करते हैं उनको। तो उनके तो पहले से वो माइंड में चीज है कि जो बात मुझे बताई जा रही है वो प्रभु बता रहे हैं। और दूसरा मैम कि एक नॉर्मल इंसान को हम गीता के बारे में अगर पढ़ाते हैं तो वही प्रैक्टिकल और थ्योरी वाली बात है, पढ़ा तो आज के समय में बहुत चीजें रहे हैं, लोगों को गीता भी पढ़ाई जा रही है परंतु उसको प्रैक्टिकल यूज में कोई ला नहीं रहा है, फिर बोल रहे हैं कि उस चीज से हमें सीखने के लिए नहीं मिल रहा है, उसका हमें यूज नहीं हो पा रहा है। और दूसरा तीसरा भी कोई प्री रिक्विजिट मैम, प्री रिक्विजिट होना नहीं चाहिए क्या कोई, कि प्री रिक्विजिट कौन समझ कौन सकता है उस चीज को, उस ज्ञान को। दो तीन बातें तुमने पूछी, पहला कृष्ण को, कृष्ण जो लेक्चर दे रहे हैं अर्जुन को, जो वार्तालाप चल रहा है, अर्जुन पहले से जानता है वो प्रभु है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कभी आपने अपनी माँ के पास बैठ के पूछा हो माँ ये कैसे चीज होनी है, कभी पूछा होगा कि ये समस्या कैसे हल होगी, या पिता से पूछा होगा, हमें ऑलरेडी पता है ये माँ है पिता है। व्यक्ति ऐसे सवाल उसी से पूछता है जहां पूरा फेथ रखता है, नंबर वन। नंबर दो, वो ऑलरेडी उसको मान चुका है अपने से ऊपर, ठीक है, इसलिए उसके हर वचन उसके लिए स्वीकार्य है। यहां पर न्याय दर्शन का आपतक प्रमाण लगता है। मुझे पड़ोसी कहे ना 8 बजे बाहर ना जाओ, मैं कहूंगी इसकी कोई साजिश नजर आती है, तभी मुझे नहीं जाने दे रहा। यही बात मेरी माँ कहे 8 बजे बाहर नहीं जाओ, तो मैं कहती हूँ बात ठीक ही कही होगी, नंबर दो। नंबर थर्ड, तुमने ये पूछा कि प्री रिक्विजिट कंडीशन होनी चाहिए। अब आप जरा 4-5 साल के अवस्था में आ जाओ, अपने को अब 18 साल का ना मानो, अपने को मानो 5-6 साल का। चलना आ गया था, पहले माँ ने वॉकर में डाल दिया था आपको ताकि गिरे नहीं, फिर माँ ने उंगली लेकर चलना सिखाया, फिर आप माँ को धोखा देते थे, कभी टेबल पे चढ़ जाते थे, फिर जब उसका मुंह दर्द होता तो छलांग लगाते थे, फिर माँ थप्पड़ लाती थी, फिर नहीं समझे तो माँ ने कहा इसे 2-3 बार गिरने दे तब पता लगेगा। इसलिए गीता थोड़ी सी ठोकर लगने के बाद ज्यादा अच्छी समझ में आती है। जब तक ठोकर नहीं कोई लगती ना, तब तक बात समझ में आती नहीं, ठीक है, ऐसे चलना, कभी आपको धक्का। इसीलिए पेरेंट्स हमारे तो पुराना सिस्टम था, बेहतर था, माँ पिताजी प्रोटेक्टिव नहीं होते थे। आजकल बहुत सारी समस्याएं प्रोटेक्टिव पेरेंट होने की वजह से भी है, वो बाहर पिटपिटा के आते थे, सही होते थे। तो इसलिए माँ उस समय ऐसा नहीं है, माँ चाहती है गिर जाए, वो बड़ा ध्यान लगाए हुए है कि कहीं गिर ना जाए, कि फिर वापिस ही ना आए, लेकिन कहती है ये नहीं मानेगा, थोड़ा गिरने दे, प्री रिक्विजिट कंडीशन है। दुख हारता नाम, जब दुख से आर्त हो जाओ, जब निराश हो जाओ, जब टेंशन में हो जाओ, जब फ्रस्ट्रेशन में हो जाओ, तो जाओ ढूंढो किसका शिष्य बनना है, तब आपको गीता समझ में आएगी। नेक्स्ट प्रश्न अब है ई एजुकेशन हब GDA। यस, नाम नहीं लिखा, बस यही लिखा आ रहा है हैंड रेज में। यस प्लीज अनम्यूट कर दो पूजा जी ने। GDA ई एजुकेशन हब का प्रश्न हो चुका है शायद मैम। नहीं नहीं, आप कर दिया। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार सर। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे गीता गीता में तो पूरा जीवन जीवन के सारे उसमें सारे नियम सारे कायदे जीवन के बारे में दिया हुआ है,
परंतु आपने जिक्र किया भाव के बारे में, तो भाव हमारे हेल्थ पर, हमारे माइंड पर किस तरह से प्रभाव डालता है? क्योंकि आजकल हम बड़े समाज में, कि दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है, अपनी सारी चीजें हमें उपलब्ध हो चुका है, तब पर भी अंदर की जो अशांति धीरे धीरे शांति बन नहीं पा रही, अशांति फैल रही है, उसमें भाव की क्या प्रधानता है और भाव हमारे स्वास्थ्य पर कैसा असर करता है और हमें भाव को कैसा बना के रखना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मुख्य रूप से थैंक यू सर फॉर योर गुड क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू। भाव से ही पुनीता नजर आती है। अगर भाव ना हो तो पुनीता अभाव है। मरा हुआ व्यक्ति अभाव वाला हो गया, उसका कुछ नहीं चल रहा। ये भाव 24/7 हम में चलते हैं। एक ही अवस्था भी नहीं चलते। जब बड़ी पक्की नींद आ जाए तो हम करवट लेते हुए सोते हैं, अभी तो मैं लेटी थी, अच्छा सुबह हो गया, मैंने तो एक करवट भी नहीं ली। बस ये इतनी अवस्था है जिसको सुषुप्ति कहता है शास्त्र। शेष सब समय कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड में भाव चलते रहते हैं। यही शुरुआत में शायद आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो, पहले यही व्याकुलता और प्रसन्नता का कारण है। ये आपका हेल्थ का इनर मोस्ट कॉन्सेप्ट है। जो हमारा जो आयुर्वेद है ना, इसीलिए पॉपुलर है, उसको सबको भुला दिया कमर्शलाइजेशन। वो कहता है मिथ्या आहार विहाराभ्याम रोगोत्पत्ति न जायत। मिथ्या आहार, आहार और विहार से रोग की उत्पत्ति नहीं होती। रोगस्य कारणम को, कारणम को आतुरता एव। रोग का कारण सिर्फ आतुरता है। आतुरता मीन्स एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का बेस है भाव। सारी की सारी प्रार्थनाएं, सारी की सारी चीजें भाव को स्पष्ट करने के लिए रखी गई हैं। भाव स्पष्ट रहे, भाव प्रोमिनेंट रहे, भाव राइट ट्रैक पर रहे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन मन और मेमोरी के साथ है। 8 तरीके की मेमोरी बोली, मैं लाख कोशिश करती हूँ, दूसरी चीज बीच में आती रहती है। आपको मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक में फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई थी, देखना आप, अब लॉग ऑन करके देखना, करीना कपूर ने, अब देखो जब हम फिलोसफी पढ़ाते हैं तो ये सब चीजें देखते हैं क्योंकि रेडी एग्जाम्पल होता है बच्चों के। तलाश फिल्म आई थी, ये बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं हुई क्योंकि समझ ही किसी को नहीं आई, ये साइकिक मूवी थी जिसके अंदर वो पुलिस वाले का बेटा है रोड एक्सीडेंट में मरता है, फिर दोबारा उसमें वो ही ख्याल घूमते रहते हैं। ये आत्महत्या के कॉन्सेप्ट है, जहां वो कहते हैं ना भूत बनते हैं, ऐसा नहीं है, हर बनता है उसके कर्म विपाक नहीं हुआ होता, भाव से सब चल रहा है। ये आप एक और मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये चीजें हेल्थ को बैड इफेक्ट करती हैं। एक फिल्म आई थी मधुर भंडारकर की, Page 3, अब करके देखना, बड़ी रियलिस्टिक मूवी बनाता है मधुर भंडारकर। उसके अंदर आप देखना कि वो जो है वो जा रहे हैं अफसोस पर, लेकिन वो सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो ये देख रही हैं कि आपका राइट कपड़े कौन से हैं, थीम ड्रेस कौन सी है, किस थीम में जाना है। थीम आउटर वर्ल्ड है, अंदर से आप दुखी हैं, कोई हो सकता है कि कहीं ये तो मेरा विरोधी था, मर गया, अंदर से खुश हो, एक साथ आप में कई भाव है, ये आदमी को बीमार करते हैं। इसलिए अर्जुन बनना पड़ता है, अगर कृष्ण से ज्ञान को सरल बनना पड़ता है। जब तक सरल रहेंगे माँ आपको सारे उत्तर देगी, फादर सारे उत्तर देगा। मोमेंट हम अपने आर्गुमेंट चलाते हैं ना, तो माँ आपको ऐसा आंसर देती है, देख बेटा मेरे विचार में ये होना चाहिए, बाकी तू समझदार हो गया है, जानता ही होगा अंदर से माँ कहीं से दुखी है, वो ऐसे बोल रहे। इसलिए सर सारी बीमारियों की जड़ भाव है, सारे डिप्रेशन की जड़ भाव है। सिर्फ भाव की शुद्धि के लिए 17वें अध्याय में आता है वर्ष, जहां पूरे 16 बोल चुका, तब वो कहता है तब तू स्वस्थ और प्रसन्न चित रहेगा, अन्यथा नहीं। साइकोलॉजी का तो बड़ा ही उत्तम ग्रंथ है, बजाय बल्कि इसको ना डेप्थ साइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि आई एम कोटिंग फ्राइड, साइमन फ्राइड कहता है, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज लाइक ए सीशेल इन विच 2/3 इज हिडन एंड ओनली 1/3 वी कैन सी। एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, 1/3 दिखता है, 2/3 अंदर। आज हमारे जितने भी प्रोफेशन चले हैं ना सर, वो ऐसे ही हैं। एक व्हाट्सएप पे अच्छा मीम चल रहा है, एक आदमी वो लेके जा रहा है कुदाल, कह रहा है ये मजदूर, और एक आदमी लैपटॉप लेके जा रहा है, नीचे लिखा है दोनों ही मजदूर घर से काम के लिए निकल पड़े, एक शाम 6 बजे आ जाएगा, दूसरे के आने का पता नहीं। लैपटॉप वाले का नहीं पता कब आए,
डिपेंडेंट बट ऑल रिस्पेक्ट्स, इसलिए इसको इस तरह लेना चाहिए. एनी अदर आई थिंक गाइस. मैम आपने बहुत अच्छा से बताया. थैंक यू सर. थैंक यू जी मैम. जी मैम एक मिनट और. ये भाव को हम सादगी, इस भाव को सरल और अच्छा कैसे बनाया जाए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक अच्छा बन सके. माध्यम क्या है, कैसे इसको ठीक करें. आरती करते होगे ना, उसमें एक सेकंड स्टेंजा आता है, मात पिता तुम मेरे, ये वाली लाइन याद करो, तुम बिन और न दूजा, तेरे बिन और न दूजा, बस समर्पण, सरेंडर योर सेल्फ टूवर्ड्स हिम. जिस दिन आप सरेंडर कर देते हो, सरेंडर कैसे है, आदमी सर्जरी के लिए गया, आप लगाओ इफ्रेन बट देखना ऐसे करना, डॉक्टर को फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, वो कहेगा तुम चले ही जाओ वापस. When you surrender yourself, you will get. So we have to surrender before mother, we have to surrender before doctor, we have to surrender before God, because he knows everything of you. Thank you. Thank you. Thank you.